हेलो एवरीवन। तो फाइनली आफ्टर कंप्लीट वन ईयर ऑफ हार्डशिप इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर आई सक्सेसफुली पास यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट इज फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम नाउ इनटू द सेकंड ईयर। सो वन थिंग दैट आई हैव लर्न इन माय फर्स्ट ईयर आफ्टर गिविंग द यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट वी कांट लर्न और रीड एवरीथिंग इन सब्जेक्ट, क्योंकि सिलेबस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसमें आप इधर कुछ पढ़ोगे तो उस साइड से वो चीज़ चला जाएगा। तो इसलिए आपको भी रिविजन करना भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी कांट रीड एवरीथिंग। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जो आप सीनियर से मार्किंग लेते हैं और फिर इसको ही पढ़ते हैं। सो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम अगर सब कुछ पढ़ने लगोगे कि तुम उसके बाद एग्जाम में तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी तो याद नहीं रहता है, लेकिन तुम जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो अगर पढ़ोगे तो वो आपको एग्जाम में क्या करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सब्जेक्ट एनाटॉमी हो गया या फिर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एनाटॉमी के बारे में बात करूँगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है और फिर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है वो आपको पढ़ना होगा। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ यू कांट रीड एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, ये मैं गारंटी दे के आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फॉर जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होता है या फिर इंटरनल एग्जाम्स होता है, उनमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ डायग्राम। और स्पेशली मैं इस वीडियो में एनाटॉमी के बारे में बात करूँगा, तो जितने भी चीज़ होता है एनाटॉमी के रिलेटेड वो बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको क्या करना है, बुक से पहले पढ़ना है अलॉन्ग विथ डायग्राम, प्रैक्टिस करके डायग्राम दिखना है और फिर इसको पढ़ना है। नेक्स्ट इज उसी टॉपिक्स का जो डायग्राम होगा, जितने भी डायग्राम्स होगा वो आपको प्रैक्टिस करना है और फिर उसी क्वेश्चंस को आपको जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक बार डिस्कस कर लेना है। तो जिस अगर आप डिस्कस कर लोगे तो वो आपको याद रहेगा, ज़्यादातर टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू राइट आंसर, मतलब आपको आंसर लिखना कैसे है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायग्राम, स्पेशली फॉर एनाटॉमी डायग्राम मास्टर। अगर आपने एनाटॉमी में डायग्राम नहीं दिया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चन और फॉर शॉर्ट नोट्स यू हैव टू ड्रॉ 1 to 2 क्वेश्चन, मतलब डायग्राम अलॉन्ग विथ अप्लाइड और क्लिनिकल इन ईच शॉर्ट नोट। एनाटॉमी क्या होता है कि जो शॉर्ट नोट आता है उसको आपको डायग्राम तो देना ही है, फिर आपको क्या करना है लास्ट में क्लिनिकल एस्पेक्ट्स या फिर अप्लाइड एस्पेक्ट्स डालना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने अप्लाइड और क्लिनिकल दे दिया तो इसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। बुक्स क्या फॉलो करना है, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा BDC, आपको BDC ही पढ़ना है और BDC से आपको डायग्राम जितने भी चीज़ें वो आपको BDC से करना है। तो आप विश्राम सिंह भी फॉलो कर सकते हो जिसमें डायग्राम्स के लिए, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं होगा। अगर आपने BDC पढ़ लिया अच्छे से तो दिस इज सफिशियंट, और अगर आप विश्राम सिंह पढ़ रहे हो तो ये भी पढ़ सकते हो, यह आपका मर्जी है, लेकिन BDC इज बेटर देन एनी बुक। एक बुक होता है सिलेक्टिव एनाटॉमी, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। आप अभी तक BDC पढ़ लिया तो ये पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें से आपको ये चीज़ देख सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। ये सिलेक्टिव एनाटॉमी एक ऐसा बुक है जिसमें क्या रहता है कि क्वेश्चंस दिया रहता है और उसके बाद आंसर दिया रहता है अलॉन्ग विद डायग्राम्स। तो ये आप देख सकते हो इस तरह कि सिलेक्टिव एनाटॉमी को कैसे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल विश्राम सिंह में ये आप देख सकते हैं, ये स्टोमक बेड है। तो स्टोमक बेड का आप विश्राम सिंह का डायग्राम देख सकते हो और BDC का डायग्राम देख सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है पर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आपका जो पसंद आया है वो ड्रॉ कर सकते हो, बट मेरे लिए तो ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। नेक्स्ट इज ये देख सकते हो ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, और ये है ब्लड सप्लाई स्टोमक फ्रॉम विश्राम सिंह। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लीन दिया हुआ है और स्प्लीन से 2 आर्टरी मतलब निकल रहा है, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिथेलियल आर्टरी निकल रहा है और फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल। इसमें क्या हो रहा है देख सकते हो, इसमें स्प्लीन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादातर स्प्लीन दिया हुआ है, तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ सकता है कि स्प्लीन से निकल रहा है ये दोनों आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन से अटैच हो रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है और कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैंने तो डायग्राम ज़्यादातर विश्राम सिंह से ही किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राउंड चीज दिया हुआ है ये क्या होता है, इसमें ये सीलिएक ट्रंक दिया हुआ है, लेकिन इसमें डायरेक्टली सीलिएक ट्रंक दिया हुआ है और सीलिएक ट्रंक से 2 आर्टरी निकल रहा है राइट एंड लेफ्ट। सो डायग्राम्स के लिए तो आप BDC या विश्राम सिंह फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग मैं किस तरह लिखता हूँ और ये मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तरह ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आया ब्रेकियल प्लेक्सस, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस देना है, फिर क्या करना है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है
और डायग्राम में याद रखना एनाटॉमी में कलर भी यूज करना होगा, दैट इज फॉर ब्लू कलर फॉर वेन्स यू हैव टू यूज ब्लू कलर, फॉर आर्टरी यू हैव टू यूज रेड कलर, एंड फॉर नर्व्स यू हैव टू पुट यूज येलो कलर। सो ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, फिर आपको डायग्राम से लिखना है, जितने भी चीज़ लिखना है वो आपको डायग्राम से लिखना है। एग्जाम में तो कुछ याद आएगा ही नहीं है 100%, फिर वो आपको डायग्राम से लिखना है। सो जैसे कि डायग्राम से आप लिख सकते हो पार्ट्स, ब्रांचेस और ब्रेकअप लिख सकते हो, फिर रिलेशनशिप, ये सब चीज़ आप डायग्राम से लिख सकते हो। और फिर क्या करना है, अप्लाइड देना है, एटलीस्ट 2 to 3 अप्लाइड इज मस्ट इन एनी क्वेश्चन, वेदर इट बी शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको अप्लाइड देना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ किया डायग्राम, और फिर इसको आपको येलो कलर करना है क्योंकि ये नर्व्स है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ करने के बाद आपको अप्लाइड देना है, और आप ब्रेकियल प्लेक्सस से किस तरह आप वो लिख सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हो। जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस में आपको यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट्स कितना है, रूट्स है, ट्रंक्स है, डिविजन्स है, एंड कॉर्ड्स है, और फिर इसका डिविजन है, ब्रांचेस फ्रॉम रूट, ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक्स, ब्रांचेस फ्रॉम कॉर्ड्स, ये आप लिख सकते हो, और फिर रूट वैल्यूज भी लिख सकते हैं। उतना लिख लोगे तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। फिर अप्लाइड देना है, और अप्लाइड में अगर आप ट्राई करो कुछ, अगर ड्राइंग कम हो सके तो लिख लो और ड्रॉ कर लो, और नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस लिख लो। और अप्लाई आपको इतना लंबा नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है और फिर इसको थोड़ा डिफाइन कर लेना है, हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम और इंटरनल एग्जाम, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है यार, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन, अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तो कहीं किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। शॉर्ट नोट्स हो सके तो एक या दो शॉर्ट नोट्स मिस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपने अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको 100% 50 नहीं मिलेगा, जो पास मार्क होता है 50 मार्क्स होता है। इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग देन राइट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट। आपको क्या करना है, अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अनकमन आ गया, तो आपको क्या करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक्स है, कुछ अलग टॉपिक्स है, तो वो आपको लिखना है, कुछ भी लिखना है, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कुछ चीज़, लेकिन जब सपोज़ आपने 2 महीना पढ़ लिया एग्ज़ाम से पहले, और फिर आपको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ आपको सिर्फ डायग्राम से करना है और डायग्राम प्रैक्टिस करके करना है, ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी पढ़ रहे हो और फिर डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको डायग्राम पढ़ना है और डायग्राम से ही आपको रिविजन करना है और डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। सो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे बताना था। नेक्स्ट कम टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा बुक्स आपको पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम से पहले तो इम्पोर्टेंट पढ़ना है। और मैं इस वीडियो में मैं अब लोअर लिम और एब्डोमेन का इंपॉर्टेंट दे दूंगा, और बाकी जो रहेगा जैसे कि हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी और अपर लिम एंड थोरैक्स, इसका मैं इंपॉर्टेंस मैं आपको क्या करूँगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट कहाँ से मिलता है, देखो इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन देख कर ही बनाते हैं हम लोग। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जो सीनियर्स हैं वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, और उसके बाद वहाँ से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। अलिम का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इधर आप देख सकते हो मास्ट कवर है, ये आपको कवर करना ही होगा, जैसे कि फिमोरल ट्रायंगल हो गया, फिमोरल शीट, फिमोरल कैनल। तो इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर कॉन्टेंट ड्रॉ है, और फिर क्लिनिकल देना है, और कुछ अगर हो सके तो रिलेशनशिप बाउंड्रीज दे सकते हो। फिमोरल हर्निया, एडक्टर कैनल, फिर स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ग्रेटर एंड लेसर सायटिक नॉच, दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फिर पॉपलिटल फोसा, फुट ड्रॉप, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लेटरल कंपार्टमेंट या फिर पेरोनल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, देन टॉर्सलिस पेरिस आर्टरी, देन सोलियस, सोलियस को क्यों पेरिफेरल हार्ट कहा जाता है, ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फॉर टेलर मसल्स, हाइटोरियस को क्यों क्या कहा जाता है, देन वेरिकोज वेन, ये क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकता है और वेरिकोज आल्सर। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कि वेन्स ऑफ लोअर लिम, ये आ सकता है, ग्रेट सेफेनस वेन। फिर हिप जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट क्वेश्चन, मतलब जॉइंट कोई भी जॉइंट एग्जाम में आता ही है, चाहे वो अपर लिम्स हो या फिर लोअर लिम्स हो, तो हिप जॉइंट आपको पढ़ना है। और जॉइंट में क्या क्या पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशंस ये सब पढ़ना है, लिगामेंट्स पढ़ना है, मूवमेंट्स एंड मसल्स ऑफ अप्लाइड पढ़ना है। नेक्स्ट इज द फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, दैट इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, क्यों होता है, तो इसका आपको 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। फिर नी जॉइंट, फिर इन्वर्शन एंड इवर्शन ऑफ फुट मसल्स कॉजिंग इट, देन आर्चेस ऑफ फुट। और तो ये सिर्फ यही चीज़ आपको अपर लिम लोअर लिम में पढ़ना है, इसके बाहर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको मतलब एग्जाम से पहले तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इसके बाहर से क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल फिमोरल कैनल आया एग्जाम में, तो आपको फिमोरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। और फिर अगर पॉपलिटल फोसा आया है, अगर आपको पॉपलिटल फोसा आपने नहीं पढ़ा है, तो पॉपलिटल फोसा के आसपास जितने भी चीज़ें वो आप लिख सकते हो, जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल हो गया और नर्व्स हो गया, और ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। तो ये हो गया लोअर लिम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं अभी बात कर लेता हूँ
एब्डोमिन एंड पेल्विस का, ठीक है, एब्डोमिन एंड पेल्विस का सबसे बहुत सबसे बड़ा है एब्डोमिन एंड पेल्विस, तो इसमें इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा। पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल फॉर इन आसाम, प्रैक्टिकल के मतलब कैसे स्कीम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 80 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, फिर ऑरल 20 मार्क्स, 20 मार्क्स होता है फॉर एनाटॉमी। इसमें से आप देख सकते हो स्पॉटिंग 10 मार्क्स, डिस्कशन और डाइसेक्शन 10 मार्क्स, सॉफ्ट पार्ट्स प्रैक्टिकल कॉपी 3 मार्क्स होता है, हिस्टोलॉजी होता है और फिर ऑस्पी होता है, फिर लॉग बुक। तो ये प्रैक्टिकल के जितना भी चीज़ रिलेटेड है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस थिंग्स विल बी अपलोड इन टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल क्या है आप देख सकते हो, नियो मेडिको फैम, इधर भी आपको मिलेगा और इधर भी मिलेगा MBBS मेड इन्फो, ये दोनों चैनल मेरा ही है, मैं इसमें MBBS रिलेटेड चीज़ डालता हूँ और इसमें नीट रिलेटेड, बट ये जो अभी जो अपर लिम और टोरस भी इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें भी डालूंगा और इसमें भी डालूंगा, तो आप कहीं से भी आपको ये डाउनलोड करके आपको इंपॉर्टेंट वहाँ से पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजोलॉजी के बारे में बात करूँगा और फिर मैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। तो आई होप मैंने जितने भी चीज़ बताई वो आपको पसंद आया हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे और रिक्वेस्ट कर रहे थे टेलीग्राम में कि भैया क्या एनाटॉमी को मतलब एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी कहाँ से पढ़ना है। देखो अभी नया मेडिकल कॉलेज 3 ओपन हुआ है इस साल, इट इज़ नलबड़ी, नुआगांव एंड खुड़ाजा, वहाँ पर सीनियर्स नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पर तो सीनियर्स नहीं है, टीचर्स हम लोग बोल रहे हैं कि गाइडन पढ़ो या फिर ऐसे कुछ बुक्स पढ़ो, तो इसमें वो लोग भी कन्फ्यूजन, उनका भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े। सो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को आपको रेफर कर सकते हो, जितने भी चीज़ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय एवरीवन।